एब्सोल्युटली बीस्ट लेवल परफॉर्मेंस फ्रॉम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, स्पेशली निफ्टी। निफ्टी में ये एक्सपेक्टेड भी था, कल से मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ कल से नहीं परसों से डिस्कस कर रहा था, बहुत जल्द बड़ा रैली आने वाला है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। निफ्टी ने बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर दिया और ब्यूटीफुली मार्केट ने रिएक्ट किया हमारे लेवल्स को। सब कुछ डिस्कस करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट वीक कैसा मार्केट के लिए हो सकता है एंड 25 नवंबर को हम किस तरह से मार्केट पर ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी बिकॉज आई एज्यूम वी हैव टू मेक निफ्टी आवर फेवरेट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी। निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट एनालिसिस वीडियो में? द मोमेंट 23,350 के ऊपर मार्केट निकलेगा, मार्केट में एक भयंकर अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अच्छा, जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, जैसे बैंक निफ्टी में मैंने उस कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ ये वाला लेवल शेयर किया था, इफ यू गाइस रिमेंबर, इसके ऊपर मार्केट में बाइंग आ सकता है। मार्केट गैप ओपन हुआ, इसको रिटेस्ट किया, उसके बाद उसके ऊपर निकला, मार्केट में बूम आ गया। सेम टू सेम अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी। मार्केट इसके ऊपर गैप ओपन हुआ, इसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के टाइम पे तो पीडीसी भी एक्टिवेट हो गया और फिर मार्केट इसके ऊपर निकला, मार्केट में बूम आ गया। तो इस तरह का स्ट्रेटजी भी आता है, पीडीसी भी आता है, साथ ही साथ लोअर टाइम फ्रेम में जो चीजें होना है वो भी आ जाता है। जस्ट अ सेकंड। ओके, तो लोअर टाइम फ्रेम में जो होता है वो भी आ जाता है। तो ब्यूटीफुली निफ्टी ने हमारे सारे लेवल्स को रिस्पेक्ट कर लिया है। अब कल के लिए कैसे, नेक्स्ट वीक के लिए कैसे प्लान करेंगे? देखिए, सबसे पहले मेरा टारगेट इक्वल हाइस तक का था, ठीक है, उससे थोड़ा ज्यादा मार्केट दे दिया है, अच्छी बात है। मार्केट स्ट्रेच हो गया, थोड़ा खींच लिया, स्ट्रेच तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा खींच लिया, अच्छा प्रेशर में चला गया, वो अच्छी बात है। बट मेरा टारगेट इक्वल हाइस तक का था। अब नेक्स्ट वीक के लिए कैसे प्लान करेंगे? देखिए, मैंने ये चीज़ लगभग 2-3 हफ्ता पहले शायद जब मार्केट ये एरिया पे था 4 नवंबर को, तब से बोल रहा था कि मार्केट अगर कैंडल क्लोज करेगा ना 23889 के नीचे, मतलब जो भी कैरेक्टर का चेंज होगा उसका ठीक नेक्स्ट वीक में मार्केट खींचेगा। तो यहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया लास्ट वीक पे, अब मार्केट खींचा। अब मेरा जो व्यू है ना मार्केट को लेके, वो पहला टारगेट है 25,000 तक का। एकदम सीधी बात, नो बकवास, 25,000 तक का मैं व्यू देख रहा हूँ। 1000 पॉइंट, 1000 से 1100 पॉइंट निफ्टी 2 हफ्ते के अंदर खींचने का चांसेस बहुत हाई कर लेगा, अगर कुछ बहुत खराब न्यूज़ ना आता है, जैसे कि World War III हो गया, कोई मर गया, इस तरह का न्यूज़ नहीं आता है। तो जब तक वो न्यूज़ नहीं आता है, मेरा टारगेट 25,000 तक का रहेगा। एवरी डिप इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय निफ्टी, सिंपल एज दैट, कोई रॉकेट साइंस नहीं। नेक्स्ट वीक को मैं ट्रेंडिंग ही देख रहा हूँ। द मोमेंट नेक्स्ट वीक मार्केट 23,980 के नीचे ऊपर निकलेगा, मार्केट में बाइंग साइड देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्रॉपरली बियर ट्रैप हुए, यहाँ पे प्रॉपरली बुल ट्रैप था, यहाँ पे प्रॉपरली बियर ट्रैप हुए और बहुत अच्छा जगह से निफ्टी घूमा, इक्वल हाइस के ऊपर जाके निकल चुका है। अब कैसे प्लान करेंगे नेक्स्ट वीक को? 1 आवर का टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो चीजें थोड़ा सा समझना है, कुछ नहीं करना है, बस एक प्राइस एक्शन। 1 आवर में एक प्राइस एक्शन मार्केट को और इस लेवल के ऊपर अच्छी तरीके से लेके जाएगा। मतलब या तो ऊपर एक दे दे या फिर जहां पे अभी क्लोजिंग हुआ है यहां से थोड़ा बेंड होकर फिर ऊपर की तरफ निकल जाए, बस। इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो 15 मिनट पर कैसे देखना है, जैसे कि 1 आवर का टाइम फ्रेम अगर मैं देखता हूँ, अब मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, तो अब मैं गोल्डन जोन फिबो का ऑफकोर्स देखने वाला हूँ। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो जहां पे जाके वो सिंगल रैली पे खत्म होगा, वहां तक मैं गोल्डन जोन लगा के आने वाले टाइम के लिए देखने वाला हूं, बिकॉज अभी फिलहाल मार्केट अपना ट्रेंड को शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, इतना नीचे तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ अनलेस अनटिल गैप डाउन ओपन हो जाता है। लेकिन अगर मार्केट मंडे के सेशन में फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, मेरे लिए पहला बाइंग जोन होने वाला है ये वाला एफवीजी। मेरे लिए पहला बाइंग जोन हो जाएगा 23,750-760 ये एरिया के आसपास से मुझे मेरा सेटअप मिलेगा। आप लोग 15 मिनट सेटअप को यूज कर सकते हो, यहाँ से थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस देके पूरा 25,000 तक का टारगेट। हालांकि टू बी ऑनेस्ट देखो, इसके पहले इम्बैलेंस भी है, वो जरूर लेगा, लेकिन 25,000 तो हम एक बार ऑप्शन को रख नहीं पाएंगे, हमें चर्निंग करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऑप्शन का बेकार में डीके होगा। तो चर्न हम करते रहेंगे, बट अगर कोई फ्यूचर प्लेयर है तो ऑफकोर्स फ्यूचर लेके ले सकते हैं। अदरवाइज कोई प्रॉक्सी प्लेयर है, इन द सेंस ऑफ निफ्टी ऊपर जाएगा तो वो रिलायंस पे काम कर रहा है, तो बिल्कुल उस तरह का चीज़ें किया जा सकता है, या फिर अदानी नहीं, मतलब रिलायंस पे काम कर रहा है, या फिर किसी अच्छा वेटेज वाला स्टॉक्स पे काम कर रहा है निफ्टी में, ठीक है, टाटा मोटर्स हो गया, उनमें काम कर रहा है, उनको वो स्ट्रक्चर देख रहा है विदाउट न्यूज स्टॉक्स पे, तो उस प्रॉक्सी पे भी काम किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर मंडे के सेशन में नीचे की तरफ आता है, मेरे लिए पहला बाइंग जोन होगा 23,750 के आसपास। यहाँ से रिएक्शन मिलेगा, मैं बाइंग करूँगा। यहाँ से रिएक्शन नहीं मिला, मार्केट इस तरह से तोड़ा, तो सेल तो कतई नहीं करूँगा। गोल्डन जोन से 236, मतलब 100 पॉइंट नीचे से मैं फिर से एक बार बाइंग कर सकता हूँ। हाँ, इसके भी नीचे निकल जाएगा तो आई विल बी वरीड, ठीक है। अच्छा, हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे का। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे ना आके ऊपर की तरफ जाता है, देखिए फ्लैट ओपनिंग का चांसेस ही कम है, बट फिर भी अगर फ्लैट ओपन होता है और ऊपर की तरफ जाता है, तो जैसे 23,950 के ऊपर निकलेगा, मैं कुछ क्वांटिटी बाई कर लूंगा, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस देगा। इसलिए कर लूंगा बिकॉज मार्केट ने ये स्ट्रेंथ शुरू किया है तो, और वीक का पहला दिन है, थोड़ा खींच लेगा, उसके बाद उसको जो करना है करेगा। तो मैं जैसे प्राइस एक्शन बना के इसके ऊपर निकलता है, क्योंकि एक प्राइस थोड़ा बेंड हुआ है, तो 23,950 के ऊपर निकलते ही मैं एक बार बाइंग कर सकता हूँ। पहला टारगेट जो ये एफवीजी हो जाएगा 24,050 का, 24,050 का मतलब 80-90 पॉइंट का टारगेट लेके फिर देखूंगा क्या मार्केट रुक रहा है। रुकेगा तो हमारे लिए अच्छा है, डायरेक्टली तोड़ेगा तो जितना क्वांटिटी है उतना में ही ट्रेड रखूंगा मैं, ट्रेलिंग करूंगा। और अगर रुक रहा है, रुक के थोड़ा बहुत रुक रहा है या फिर बेंड हो रहा है तो हमारे लिए आने वाले टाइम के लिए अच्छा है। ठीक है, ये हो जाएगा फ्लैट ओपनों के नीचे और फ्लैट ओपनों के ऊपर का। अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो मैं कैसे ट्रेड करने वाला हूँ। अगर सपोज मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहाँ पे गैप अप ओपन होता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। अगर हम 1 आवर का टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना तो जो नेक्स्ट मार्केट के लिए हडल जोन होने वाला है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये जोन होने वाला है 24,100 के आजू बाजू में। तो अगर मार्केट मान के चलते हैं कि गैप अप ओपन हो गया, गैप अप, एक सेकेंड, मार्केट मान के चलते हैं कि जस्ट अ मिनट, गैप अप ओपन हो जाता है 24,080, 090 ये सारे एरिया के आसपास, 24,080, 24,090 ये सारे एरिया के आसपास। तो 24,100 के आसपास अगर गैप अप ओपन होता है, यहाँ से गैप अप ओपन होकर अगर मुझे कोई शॉर्टिंग मिलता है, रिएक्शन के बेसिस पे मैं शॉर्ट कर सकता हूँ पीटीसी के आसपास से कवर करके। फिर अगर मार्केट यहाँ से प्राइस एक्शन अपसाइड दे रहा है तो मैं पूरा पोजिशन घुमा सकता हूँ। अगर मार्केट यहाँ पे डाउन साइड की तरफ ही ट्रेंड कर रहा है तो मैं कुछ और पोजिशन को मतलब होल्ड कर सकता हूँ और कहीं ना कहीं 2-3 जो पहले वाला फ्लैट का प्लान था वहाँ से मैं एक बार बाइंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अच्छा खासा खींचने के बाद मार्केट आ भी जाएगा। और ये लेवल तब तक, अगर मार्केट गैप अप यहाँ पे ओपन होता है तो मार्केट का जो ये गोल्डन जोन है, ये गोल्डन जोन भी तब तक के लिए थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो 23,750 विल बी वेरी इंटरेस्टिंग अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा मार्केट गैप अप पे। बहुत बड़ा गैप अप इग्नोर कर दूंगा। बहुत बड़ा गैप डाउन कहाँ पे, आज ये जो रैली गया है, अगर गोल्डन जोन के नीचे ओपन हो रहा है गैप डाउन तो थोड़ा मैं दिक्कत, मतलब मैं डरूंगा, क्योंकि इतना अच्छा रैली के बाद इतना नीचे गैप डाउन तो थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर कोई मान के चलते गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन पहला कैंडल हैमर जैसा बन गया, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन गया, तो फर्स्ट हाफ में बाइंग आ जाएगा, सेकंड हाफ में वो फिर से गिरावट हो सकता है, बिकॉज गैप डाउन ओपन हुआ है, सेकंड हाफ में कवर कर लेगा। तो फर्स्ट हाफ का मैं बाइंग करके पीटीसी के आसपास से कवर करके फिर पोजीशन को घुमा दूंगा। और अगर मिडिल के आसपास गैप डाउन ओपन हो रहा है तो मैं वेट कर लूंगा, या तो 23,735 मतलब ये एफवीजी के आसपास से बाइंग का, और अगर इसके आजू बाजू ओपन हो रहा है तो वेट कर लूंगा, गोल्डन जोन को जैसे टच करेगा यहाँ पे मेरा सेटअप एक्टिवेट होगा, मैं बाइंग कर लूंगा। सीधी बात, मैं नेक्स्ट वीक के लिए भी बाइंग साइड ही देख रहा हूँ, बस मुझे कोई मतलब डिप मिलेगा मैं अपना पोजिशन को ऐड करूंगा, डिप मिलेगा मैं अपना पोजिशन को और बढ़ाने के बारे में सोचूंगा। बट वट एवर आई विल प्लान ऑनली फॉर लॉन्ग। रिएक्शन के लिए आई कैन शॉर्ट, बट डायरेक्शनल बेसिस पे ओनली लॉन्ग 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 लॉन्ग। ठीक है, चलिए एक बार हम बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स था और कहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में, अगर यहाँ पे चार्ट क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट था। इफ यू गाइस रिमेंबर, ये वाला एरिया बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये एरिया के आसपास आया, बैंक निफ्टी टच किया, टच करके 49,800 के आजू बाजू से टच करके अच्छा खासा मार्केट खींच दिया है। वीकली टाइम फ्रेम अगर हम देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी यहाँ पे आके अच्छा खासा बेस बना दिया है, इतना समझ में आ रहा है। इस बेस के नीचे कोई भी अगर वीकली कैंडल क्लोज करता है तो बैंक निफ्टी में पेन आ सकता है और वो फिर इतना बड़ा लेवल तक के लिए प्रोसीड कर सकता है। तो कैंडल क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि किया नहीं है। अब वीकली में भी मैं बैंक निफ्टी से भी सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक थोड़ा सा बैंक निफ्टी खींच सकता है, जो बैंक निफ्टी को 52,568 तक लेके जा सकता है, जो कि पुराना वाला इक्वल हाई है बैंक निफ्टी का। इफ यू गाइज रिमेंबर, आई थिंक यू ऑब्वियसली गाइज डू रिमेंबर 52,000, ये जो 52,600 का एक इक्वल हाई है बैंक निफ्टी के पास, यहाँ तक बैंक निफ्टी को एक बार बैंक निफ्टी प्रोसीड कर सकता है। और ये जो गैप है, गैप को मार्केट एक बार स्मूथली फिल कर सकता है। तो अगर मार्केट मंडे के सेशन में फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट पे आके बैंक निफ्टी थोड़ा टाइम बिताया है, और ये बैंक निफ्टी के लिए अब आने वाले टाइम के लिए बहुत क्रूशियल डिमांड एरिया होने वाला है, बहुत क्रूशियल सपोर्ट जोन होने वाला है। ठीक है, ये वाला एरिया बैंक निफ्टी के लिए अब बहुत क्रूशियल होने वाला है, जो कि हो जाएगा लगभग 51,000 के आजू बाजू, मतलब राउंड नंबर को ही मैं पकड़ लूंगा, बिकॉज 51,000 है, 50 पॉइंट इधर उधर। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो ऑब्वियसली 50,960, 950 ये एरिया के आसपास से मेरा सेटअप में आएगा। मैं यहाँ से बाई करके थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस देकर ऊपर का टारगेट खुला रख दूंगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे ना आके ऊपर की तरफ जाता है तो जैसे 51,270 के ऊपर निकलेगा, कुछ क्वांटिटी में बाई कर सकता हूँ। बस एक चीज को देखना है, यहाँ पे थोड़ा हडल वाला एरिया है, यहाँ पे थोड़ा हडल वाला एरिया है, तो अच्छा रहेगा कि अगर ये जो कैंडल निकलेगा इसके ऊपर जाके क्लोज करे तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अगर इसके नीचे ही क्लोज कर देगा तो कॉन्फिडेंस थोड़ा कम रहेगा। उस केसेस ऑफ सिनेरियो पे मैं स्नाइपर या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर पे ट्रेड कर सकता हूं। अब अगर गैप अप और गैप डाउन मार्केट ओपन होता है, सपोज मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, कहां पे, बहुत बड़ा इग्नोर कर दूंगा, छोटा मोटा गैप अप ओपन हो रहा है तो या तो पीडीसी से बाई कर सकता हूं, मार्केट थोड़ा नीचे आए बाई कर ले, या फिर ये जो जगह है 51,800 के वगैरह आजू बाजू से अगर लिक्विडिटी ग्रैब मिलकर शॉर्टिंग का मिलता है, कुछ क्वांटिटी शॉर्ट करके फिर नीचे के आसपास से कवर करके बाइंग के बारे में मैं देख सकता हूं। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, हाँ अच्छा, इनकेस अगर गैप अप की जगह पे गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान के चलते बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, जस्ट लाइक निफ्टी, अगर मार्केट अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होता है ये एरिया के नीचे 50,650 के नीचे, तो थोड़ा मैं घबरा जाऊंगा। सेकंड हाफ में मैं देखूंगा कैसे क्या पैटर्न बना रहा है, और अगर बीच के आसपास गैप डाउन ओपन होता है तो 600-650 के आसपास से सेटअप आने पे मैं एक बार बाइंग जरूर करने वाला हूँ बैंक निफ्टी को भी। बट फोकस निफ्टी पे ही रहेगा, बट बैंक निफ्टी को भी हम बाइंग जरूर कर पाएंगे। बट निफ्टी में ज्यादा चाल आ सकता है, वाई बिकॉज निफ्टी का वीकली चीजें कुछ ऐसा है जो कि बैंक निफ्टी में भी नहीं है। चलिए, ये रहा नेक्स्ट वीक का पूरा एनालिसिस जहाँ पे हम ट्रेड करने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कीजिए। वीकेंड में आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल बहुत जल्दी आने वाला है जो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। चैनल के साथ जुड़े रहिए, इंस्टाग्राम के साथ जुड़े रहिए, फॉलो जरूर कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।